नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 के अंदर अपने 12.1 कंप्लीट हो गई थी, 12.2 है, ठीक है। और 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने ब्लैकबोर्ड पर नोट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन में बता दे तो निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, यानी बहुत बड़ी संख्या होती है तो हम उसको एक मानक रूप दे देते हैं जिसे हमें पढ़ने में आसानी हो। अब ये संख्या है, इसको पढ़ोगे क्या? इसको 0.00 ऐसे पढ़ोगे, लेकिन अगर इसको मानक रूप में कन्वर्ट कर दे तो हम इस डिजिट को अच्छी तरह, इस संख्या को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है, क्या है इसका रूप, ठीक है। तो हम इसको मानक रूप में करने के लिए क्या करें, घातांक नियम वाला ही यहाँ पे रूल लगेगा। घातांक नियम जो अपने पढ़े थे 12.1 एक्सरसाइज में, अपने जो घातांक पढ़ा था उससे से संबंधित है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मानक रूप में करने के लिए इसको दशमलव में बदल देंगे, है तो दशमलव में लेकिन स्टैंडर्ड दशमलव में बदलेंगे, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड हो जाएगा तो अपना हो जाएगा। जैसे यहां से सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, जो दूरी है उसको हम इजिली, हम अगर हम मानक रूप में कन्वर्ट कर दे तो इजिली हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मानक रूप से ही संबंधित है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप में इंग्लिश का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम इसको बदलें तो बदलने का जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है, अब इसमें देखो ये जो दशमलव है इसके आगे देखो यहां पे 8 से पहले 11 जीरो लगे हुए हैं, कितने जीरो है, 11 जीरो है इसके। तो आपको क्या करना है, इस दशमलव को यहां लेके आना है और यहां लाने के लिए क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, ठीक है। तो यहां लाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी संख्या लिख लो, या तो आप ऐसा करो इसको सीधा तरीका बता दे तो, क्योंकि ज्यादा फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको दशमलव को मैंने क्या बताया, ये दशमलव है, इस दशमलव को यहां लेके आएंगे, 8 के बाद में लाना है तो आप इसको लिख देंगे 8.5, लिख दिया। अब इंटू करेंगे और 10 की घात में बदल देंगे, जो जीरो वाले हैं वो 10 की घात में बदल जाएंगे। वो 10 की घात कौन सी होगी, प्लस की होगी माइनस की, ये दशमलव देखो याद कर लो, दशमलव को पीछे लेके आ रहे आगे नहीं लेके जा रहे, आगे लेके जाएंगे तो प्लस की होगी, पीछे लेके आ रहे तो कितने दशमलव संख्या पीछे आ रही। तो देखो मैंने 8 के बाद में दशमलव लगाया तो कितनी संख्या पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 10 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 होगा, और लेकिन किसका होगा 10 की घात 12, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का, क्योंकि मैंने बताया था दशमलव जो पीछे आएगा तो 10 की घात माइनस 12 होगा। ये है इसका मानक रूप, क्लियर हुआ, मानक रूप आपका ये है 10 की घात माइनस 12। ऐसा कैसा हम सेकंड पार्ट को करेंगे, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो इस दशमलव को हमें 9 के बाद एक संख्या बाद लेके आना, हमेशा चाहे कितनी भी संख्या हो हमेशा एक संख्या बाद मानक रूप बदला जाएगा। तो आपको इस दशमलव को कहां लेके आना है, 9 के बाद में लाना है। तो हम इसको लिखेंगे 9.42, ये संख्या तो पूरी पूरी लिखी, ये अटैक नहीं, 9.42 हो गया। अब दशमलव कितनी संख्या पीछे आया देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस 12 होगा इसका, समझ में आया। जितनी संख्या पीछे आएगा उतनी माइनस की घात हो जाएगी और 10 के ऊपर लगेंगे, यानी 10 को हम 12 बार लिख देंगे और गुणा करेंगे तो वापिस ये दशमलव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मानक रूप है, मानक रूप को बदलने का जो तरीका है। अब इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 602, पहले तो दिया है 602 और इसके पीछे जीरो लगा रखे, कितने जीरो है देखो काउंट कर लेते हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, कितने हैं, 13 जीरो लगे हुए हैं। फिर भी काउंट कर लेते, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 13 जीरो लगे हुए हैं, इसके पीछे 13 जीरो लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 लगा दिए। अब आपको देखो 13 जीरो लगे हमारे, अब आपको दशमलव देखो मैंने क्या बताया, एक संख्या बाद लगेगा तो दशमलव कहां लगेगा, 6 के बाद लगेगा,
और देखो इसमें दशमलव पहले दिया हुआ था तो दशमलव को पीछे लेके आए, अब हम क्या कर रहे हैं दशमलव को आगे लेके जा रहे हैं, तो दशमलव को जब पीछे लेके जाएंगे तो माइनस की घात होगी और दशमलव को जब आगे लेके जाएंगे तो प्लस की घात होगी। कितनी संख्या आगे लेके गए देखो, जीरो काउंट कर लो फिर ये संख्या भी दो काउंट कर लो, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो इंटू में आ जाएगा दस की घात पंद्रह, प्लस का आएगा, इसका आएगा प्लस का, क्योंकि हमारे यहाँ पे दशमलव नहीं था क्वेश्चन में, तो हमें दशमलव बदलना है मानक रूप में, मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम दशमलव को लगाएंगे, तो लगाएंगे तो आगे की तरफ जीरो जा रहा है, दशमलव आगे जा रहा है, यहाँ पीछे आ रहा था या आगे जा रहा है, आगे जा रहा है तो प्लस की घात होगी। क्लियर हुआ? हाँ सर, चेक कर लेते एक बार। ठीक है, आंसर सही है। अब अगला फोर्थ पार्ट है कि इसका ये भी ऐसे ही जैसे हमने पहला किया था, देखो सैंतीस का आगे कितने जीरो लिखे हुए, देखो काउंट कर लो, दो दो चार दो आठ, आठ जीरो दे रखे, एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और पीछे संख्या जो दे रखी वो आपको दे रखी 837। ठीक है, अब आपको ये संख्या दे दी, इसको हम ऐसे ही करेंगे, दशमलव को पीछे लिख के आना है, कितनी संख्या लिख के आना है, यहां लेके आना है आठ के बाद में, तो 8.37 लिख दो, हम यहां दशमलव लिख के आ रहे, कितनी संख्या पीछे आया, इंटू में 10 कर दो पहले, क्योंकि 10 की घात ही लगेगी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो 10 की घात माइनस नौ होगा क्योंकि दशमलव हमारे पीछे आ रहा है। क्लियर हुआ? तो चार मैंने करवा दिए, पांचवा है वो भी करो, वैसे ही पांचवा क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन में थर्ड किया था, फिर भी कहते हो तो मैं बता देता हूं, फिफ्थ पार्ट इसका 1386 सॉरी 3186 दे रखा आपको, और इसके पीछे जीरो लगा रखे, जीरो काउंट कर लेके कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात जीरो लगा रखे, एक दो तीन चार पांच छह और सात, पर आपको देखो इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव लगा दो, एक संख्या बाद लगेगा, अब इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा रहे हैं, तो लगा रहे तो पीछे से आगे जा रहे हैं, तो इंटू कर दो, दस की घात कितनी संख्या होगा काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात तो जीरो हो गए और तीन संख्या होगी आठ नौ दस, तो दस आ जाएगा पानी, प्लस की घात आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3.186 इंटू 10 की घात 10 आपके आंसर आए। क्लियर हुआ? तो ये आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते एक बार, बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सामान्य रूप में बदल लो, मानक रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन और सामान्य बदलना है, तरीका वही रहेगा, बता दूंगा कैसे करना है सामान्य बदलने के लिए। सामान्य में जैसे अभी हमने किया था वैसे ही उसको बदल देंगे, सामान्य में घाते हटा देंगे, घात हटा के इंटू में लिख देंगे और इंटू में लिखिए सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, सामान्य रूप पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका 3.02 3.02 इंटू 10 की घात माइनस छह दिया हुआ है। अब इसको बदलना है तो देखो एक तो सीधा तरीका है इसका, आपको मैंने बताया था दशमलव हम पीछे लाए थे उसका आगे और नहीं आए तो ये वाला तरीका अपना लो, 3.02 लिख लो और ये जो तो बात माइनस की है ये बटे में आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको घाता नियम का सूत्र बताया, माइनस में होता है तो इसको एक बटा
ए की घात प्लस एम लिख लेते हैं, 10 की घात 6 लिख लोगे, कितने लिख लोगे, 10 की घात 6, 3.02, 10 को कितनी बार, कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे इसके नीचे, वापिस इसको संख्या बदल देंगे। अब आपको क्या करना है, ये कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये दशमलव है वो 5 संख्या आगे चला जाएगी, 6 संख्या आगे, तो 3, 0, 2 लिखेंगे, एक तो ये संख्या होगी और इसके आगे 5 जीरो लग जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, नीचे जितने जीरो होंगे संख्या है उतनी संख्या, तो एक संख्या तो हमें दे रखी थी, एक संख्या तो हमारी ये है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो ये तो रहेगी रहेगी, तो इससे काउंट करेंगे आप, तो दशमलव को 6 संख्या के लिख के जाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो पहले जो आपको घात दे रखी है माइनस में उसको प्लस में बदल देंगे, फिर घात को सोल्व कर देंगे, यानी 10 को हम 6 बार लिखेंगे, तो 10 को 6 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो आप क्या करो, एक के पीछे 6 जीरो लगा दो, सिंपल सा जो तरीका बता रहा हूं, और फिर जितने जीरो होंगे संख्या उतनी संख्या आके दशमलव लग जाएगा, तो एक तो है 5 जीरो और लगा देंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड पार्ट देर का इसका 4.5 × 10^4, अब यहां तो माइनस का था इसलिए इसको हमने घात में प्लस में बनाया, अब इसको प्लस बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से प्लस है तो सीधा हमारी खुल जाएगी 4.5 × कितने जीरो लग जाएंगे एक के पीछे, देखो घात कितनी दे रही थी 4, तो 4 जीरो, इसको इससे गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, 5 और पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, और ये पॉइंट है, पॉइंट लग जाएगा यहां पे और एक जीरो कम हो जाएगा इसका, और इसका आंसर आएगा 4,45,000, ये आंसर आएगा। तो देखो घात प्लस की होगी तो सीधा इंटू लिखना है आपको, माइनस की होगी तो बट्टे में आएगी, प्लस की होगी तो इंटू लिखना है, जितनी घात होगी उतने जीरो लगाने हैं और उस संख्या को उससे गुणा कर दो, गुणा कर देंगे एक पॉइंट है, पॉइंट लगा के एक जीरो कम कर देंगे, ठीक है, और एक तरीका पॉइंट हटा के नीचे जीरो कर लो, वो भी आसान है मेथड। थर्ड पार्ट है इसका, देखो ये दे रखा है 3 × 10^8, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको प्लस में बनाना है, 10^8 हो जाएगा 3/10^8 है तो कितने जीरो लगेंगे एक के पीछे, 8 जीरो लग जाएंगे, आठ जीरो आपने लगा दिए, अब देखो 0.8 संख्या पहले लगेगा, कितनी संख्या है, कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक तो हमारी संख्या और लिखी देंगे 3, तो 8 जीरो लगाने थे, एक हमारी संख्या होगी तब जीरो कितने हो गए, कम हो गए, 7 जीरो लगेंगे, क्योंकि 8 संख्या चाहिए आपको ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो वापिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जीरो नीचे लग जाते हैं, तो हम इसको वापिस से बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका है सामान्य रूप से मानक रूप में जाने का था क्वेश्चन, किसमें था, सामान्य रूप से मानक रूप में बदलने का। एक फोर्थ पार्ट और देख लो इसका, फोर्थ पार्ट भी आपके प्लस का ही है दिया हुआ, आप क्या करेंगे 1.00,
10 की घात 9 है तो 1 के पीछे 9 जीरो लगा दो, ये प्लस के इसलिए इनटू में लिखे जाएंगे 3, 6, 7, 8 और 9। 9 जीरो लगे सीधा ही लिखेंगे, माइनस का होता तो प्लस बनाते। अब क्या करना है, इसका पॉइंट हटा के देखो, दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां तो मैंने गुणा करना बताया, यहां पॉइंट हटा के देखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 4 जीरो नीचे लगा दो इसकी, ठीक है, और 4 जीरो इससे कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 1 और कितने जीरो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो इसके पीछे लगा दो, यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। घात प्लस में है तो आपको क्या करना है, सीधा इंटू करना है, इंटू कर दिया, इसका दशमलव हटा के नीचे जीरो लगा लो, जैसे हमके दशमलव के जीरो लगाते हैं, कितने जीरो लगे 4, 4 जीरो से कट गए, 4 जीरो इस संख्या के पीछे जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा आपकी, ठीक है, सामान्य रूप में। अब इसके दो क्वेश्चन है, 5th और 6th अपने आप करेंगे, ठीक है, वो नहीं बताऊंगा। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसा ही है करना, ठीक है, सामान्य रूप में दे रखे, मानक रूप में बदलने, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है सामान्य रूप आपको दे रखा है और आपको मानक रूप में बदलना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी टाइप से है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो वही पावर में बदल देंगे हम इसको, पहले पावर बदल के हो मानक रूप में बदल ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक माइक्रोन दे रखा है आपको, 1/ ये समथिंग दिया हुआ है और उसको बराबर में होता है, तो आप क्या करेंगे 1/ लिख देंगे, क्वेश्चन में 1st है इसका 3 है, 1/ नीचे देखो कितने जीरो लगा रखे हैं, 6 जीरो है, 1, 2, 3, 4, और आपको पता है किसमें बदलना है, इसको मानक रूप में बदलना है, किसमें बदलना है, मानक रूप में, तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/ ये 10 की घात बना देंगे, 10 की घात कितनी बनी, कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो देंगे। अभी हमने कहा था कि 1 की घात माइनस एम होती है, इसको हम प्लस बना देते हैं, क्या बना दिया, माइनस को हमने प्लस बनाया, अब उल्टा करना है, अब 1 × क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि आपको मानक रूप में बदलना है, तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 1 × 10 की घात माइनस 6 हो जाएगी, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, कहां चली जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये घात माइनस में हो जाएगी, ये 1 × 10 की घात माइनस 6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। पीछे मीटर दे रखा तो मीटर लगा दो, आंसर एक बार चेक कर लो फिर भी, ठीक है, सही आंसर बिल्कुल। इसी प्रकार आपका सेकेंड पार्ट है कूलंब वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है तो बोध जीरो लगा रखे, ठीक है, तो इसको इतने जीरो तो लगाइए नहीं, मानक रूप में बदलना है, तो मैं सीधा यहां से बता दे, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, तो देखो दशमलव लगेगा 1, देखो आगे 0, 0 भर रखे हैं और 1, 6 लिखा हुआ है, तो 16 लिखेंगे और 16 के बीच में पॉइंट लगा देंगे और इंटू करके, अब कितनी संख्या पीछे आया, दशमलव हमारा 1 के पास में आया, तो कितनी संख्या पीछे आया, देखो काउंट कर लो जीरो, देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 1, 19 संख्या, 19 यानी 10 की घात क्या हो जाएगा, -19 इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 10 की घात -19 आएगा, यानी मानक रूप में बदलना है तो इस तरह से तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, 0, 0, 0 कहां तक पढ़ेंगे, तो हमारे स्टैंडर्ड मानक रूप यह है कि 1 के बाद दशमलव लगा दो, तो हमने 0, 0 हटा दिए और दशमलव 1 के बाद में लिए, तो कितनी संख्या आया, 0 तो हमने काउंट कर लिए थे, 18 आए थे और 1 हमारी संख्या थी, तो 19 हो गई टोटल, तो सेकंड का आंसर आपको ये आएगा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार जीवाणु के माप का भी दिया हुआ है, वो भी ऐसे ही करेंगे। थर्ड पार्ट,
कितने जीरो दिए हैं देखो, एक दो दो छह जीरो दिए हैं और चार पांच लिखा हुआ। और आपको पता है कि दशमलव यहां लगेगा, चार के बाद में आएगा दशमलव, तो दशमलव कितनी संख्या पीछे है काउंट कर लो और दस की घात भी लिखा जाएगा, कितनी आई, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो दस की घात माइनस सात आएगा क्योंकि दशमलव पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है तो माइनस में लगेगी घात, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो चौथा भी आप अपने आप कर लेना, पांच ओके तो मैं बता देता हूं आपको। चौथा आप अपने आप कर लेना, पांचों क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। पांच में क्या दिया हुआ है देखो, मोटाई दे रखी कागज की, वो दे रखी आपको 0.07 mm। ठीक है, तो इसको देख लेते, सेंटीमीटर में तो नहीं पूछा गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फिफ्थ पार्ट, नहीं सेंटीमीटर में नहीं पूछा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, ये पॉइंट हटा के नीचे एक के पीछे जीरो लगा दो, कितने जीरो, एक, कितने संख्या है दशमलव, कितने, एक दो, तो दो जीरो लग जाएंगे, इसका आंसर है 7/100 आ गया। और आपको पता है कि अब 100 को घात में बदलना है, तो एक के पीछे कितने जीरो, दो जीरो है, तो 10^2 हो जाएगा और ये 10^2 ऊपर जाएगा इंटू में हो जाएगा इसके साथ, तो 7 × 10^-2। जब घात नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस में लिखी जाएगी, किस में लिखी जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 10^2 क्या आ जाएगा, -2 इसका आंसर रहेगा। क्लियर हुआ, तो 10^-2 आपको निकालना है, पहले इसको क्या दशमलव को चेंज करके जीरो लगा लेंगे, जीरो लगाने के बाद इसको क्या कर देंगे, 7/100 हो जाएगा, 100 को घात में बदल देंगे, 10^100 कितने जीरो है, 2, तो 2 घात लग जाएगी। अब ये संख्या इंटू में जाके माइनस रूप में लिखना है, तो ये संख्या ऊपर लेके जानी पड़ेगी, ऊपर लेके जाएंगे तो मैंने बता दिया माइनस में हो जाती है, ऊपर से नीचे आ जाती तो प्लस में हो जाती घात। क्लियर हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा कागज की सीट है जिसमें प्रत्येक की मोटाई इतनी है, तो ढेर में कुल कितनी मोटाई के कागज है। देखो, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई, 5 किताबें एक की मोटाई आपको दे दी, ठीक है, और जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीट है, तो 20 mm है और 5 कागज, जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतनी है, तो ढेर की कुल लंबाई निकालनी है। तो देखो, प्रत्येक की मोटाई दे दी, कागज की सीट है, प्रत्येक 5 कागज की सीट है, ठीक है, प्रत्येक की मोटाई में आपको जो 5 कागज की सीट निकलती है, तो इनमें से मोटाई निकाल, जो ढेर में कुल कितना लगेगा ये निकालना आपको। तो देखो, इसका भी अब देखते हैं, पहले शायद इसको 20 को 20 mm को 5 से गुना करना पड़ेगा, देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्ते की मोटाई दे रखी 20 mm दे रखी है और इस प्रकार की कितनी सीटें हैं, 5 कागज की सीटें, इसको 5 से गुना कर लो, 5 × 20, तो ये आपका आ जाएगा 100 mm, और प्रत्येक की मोटाई दे रखी इतनी मोटाई है उसको भी इससे गुणा करेंगे, 0.016 × 100, ठीक है, पॉइंट हटा दो और नीचे 3 जीरो लगा दो, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है,
ये आ जाएगा 16 और बटे में आपके आ जाएगा 10, तो इसका आंसर 1.6। लेकिन घात तो आया नहीं, घात में तो बदलना पड़ेगा, देखते हैं इसका। पट्टे कागज में जिसमें पट्टे की मोटाई दे रखे, कागज की सीट है जिसमें पट्टे की मोटाई दे दी, ठीक है, हमने भी गुणा किया था ना, किससे किया था, और देखो ये भी एमएम ही दिया हुआ है आपको, और इसका आंसर आ रहा है 1.0। आंसर क्या आ रहा है इसका, 1.008×10^2 आ रहा है। तो इसको फिर अलग तरीके से करेंगे, देखते हैं अभी। देखो इसमें दे रखा है पट्टे की मोटाई 20 mm है और 5 कागज की सीट है, 5 कागज की सीट दे रखी है आपको, ठीक है, 20 mm है इसका, तो 20 mm में तो 5 कागज की सीट है जिसमें पट्टे की मोटाई, तो पट्टे की मोटाई है, तो आप इसको 0.0016 इसको आप 5 से गुणा कर दो, तो आपने 20 का 0 आंसर भी 2 5 2 7 16 70 0 ये लग जाएगी, हाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और फिर इसको पट्टे की मोटाई 20 है और 5 कागज की सीट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा तो करनी ही पड़ेगी इसकी, ठीक है, तो एक डेर में 5 किताबें हैं, पट्टे की मोटाई 20 mm है और 5 कागज की सीट है जिसमें पट्टे की मोटाई 20 mm, तो आपको करना क्या है, इसमें बाहर दे देते हैं 1.008 1.68। इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 1.0008×10^2 है, इसको गुणा कर लो 1.0008×100 बना दो, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा 100.08 आ जाएगा इसका, ठीक है, 100.08 आएगा, और आज किसका आंसर आया 100.08 आया, तो 100.08 आया और 100 यहां आ रहा है, तो इसमें आपको कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई निकालनी है, पट्टे की मोटाई देखिए कागज की मोटाई की सीट ये है, एक की मोटाई दीजिए 5 कागज की सीट है 100, तो 100 में आपको बाहर ही देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो एक बार आप स्टूडेंट से ये आंसर लिख लो इसका, ठीक है ना, ये आंसर एक बार इसका नोट डाउन कर लो, ये इसका आंसर आएगा, तो हमने लिखा है, तो इसका आंसर आपको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा 1.008×10^-2, फिर प्लस 2, ये आंसर आप इसका नोट डाउन कर लेना, फोर्थ है उसका आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई करना मैंने बता दिया था, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैंने बताया था ये आंसर आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, पहले 120 को 5 से करना, फिर 0.16 से कर लेना, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हो गया, नहीं है तो फिर भी समझा देंगे आपको, क्लियर हो जाएगा आपको और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 12.2 प्रश्नावली तो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपके नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये आप पूरा नोट डाउन कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।